कभी कभी भारत में क्रिकेट की लोकप्रियता को देखकर हमें यही लगता है कि यही हमारा राष्ट्रीय खेल तो नहीं है। धीरे धीरे ही सही हम भारतीय हॉकी की तरफ अपनी दिलचस्पी बढ़ा रहे हैं। आने वाले दिनों में हम आशा करते हैं कि देश के लोग इस खेल को बराबर का प्यार देंगे। भारतीय हॉकी का गौरवशाली अतीत हमें इस खेल के प्रति प्यार दिखाने को प्रेरित करेगा। आज हम आपको भारतीय हॉकी इतिहास के टॉप 5 खिलाड़ियों के बारे में बताने जा रहे हैं। उधम सिंह, पंजाब के जालंधर से ताल्लुक रखने वाले उधम सिंह भारतीय हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक थे। उनकी हाइट लगभग 5.5 फुट की थी, जबकि वजन मात्र 58 किलो था। उन्होंने अपने छोटे कद को अपने खेल के आड़े कभी नहीं आने दिया। उन्होंने अपने कैरियर में 3 ओलंपिक स्वर्ण और 1 रजत पदक भी जीता। हॉकी से रिटायरमेंट के बाद उधम सिंह मैनेजर के रूप में भारतीय टीम की कमान संभाली उनके मैनेजर रहते थे। भारत ने मैक्सिको ओलंपिक 1968 में और बैंकॉक 1970 एशियाई खेलों में रजत पदक जीता था। लेस्ली क्लॉडियस, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में जन्मे लेस्ली क्लॉडियस उधम सिंह के साथ मिलकर सबसे अधिक ओलंपिक मेडल जीता है। लेस्ली ने अभी अपने करियर में 3 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता है। उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसमें उन्होंने लगातार 4 ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। धनराज पिल्लय, बेहद साधारण परिवार में जन्मे धनराज पिल्लय के पिता एक ग्राउंड मैन थे जो खेल के मैदानों की देखभाल करते थे। धनराज पिल्लय को आधुनिक भारत के हॉकी का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। उन्होंने दिसंबर 1989 में डेब्यू किया और अगस्त 2004 में रिटायरमेंट लिया। बलबीर सिंह सीनियर, खेल इतिहास में बलबीर सिंह सीनियर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक ओलंपिक मैच में 5 गोल किए। नीदरलैंड के खिलाफ फाइनल मैच में उन्होंने 5 गोल किए थे। 1956 में हुए मेलबर्न ओलंपिक में उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की और 1958 तथा 1962 के एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें भारत को रजत पदक मिला था। मेजर ध्यानचंद को उनके शानदार स्किल और बॉल कंट्रोल की वजह से हॉकी का जादूगर कहा जाता था। उनका वास्तविक नाम ध्यान सिंह था, ध्यानचंद दोस्तों द्वारा दिया गया नाम था। ध्यानचंद ने भारत के लिए 3 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते, जिसमें एमस्टर्डम, लॉस एंजलिस और बर्लिन की ओलंपिक जीत शामिल है। अपने अद्भुत कैरियर में उन्होंने 400 से अधिक गोल किए। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम को बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया गया है।